राजघाट थाना क्षेत्र निवासी महमूद उर्फ जुम्मन बाबा व परवेज परवास पर दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध हो गया है। ऐसे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद वल्लभ शर्मा ने इन्हें उम्र कैद के साथ कठोर आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया है। गौरतलब है कि राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमान पुर मोहल्ला निवासी अभियुक्त महमूद उर्फ जुम्मन बाबा व परवेज परवास 2 साल से जेल में बंद हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह का कहना है था कि वादिनी ने थाना राजघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने तहरीर में लिखा था कि वह अपने पति से अलग रहती है। वह झाड़ फूक के लिए मगहर मजार जाती थी, जहां उसे महमूद उर्फ जुम्मन बाबा मिले थे। उन्होंने कई दरगाहों पर झाड़ फूक की, जिसमे मुझे राहत मिली। 3 जून 2018 को उन्होंने रात 10:30 बजे पांडेहाता के पास दुआ करने के बहाने बुलाया और एक सुनसान स्थान पर ले गए। वहां उन्होंने और उनके साथ मौजूद एक शख्स ने बलात्कार किया। उस शख्स का जुम्मन परवेज भाई बोल रहे थे। घटना के बाद हमने मोबाइल से 100 नंबर पर फोन किया, तब पुलिस आई और हमें साथ ले गई। मंगलवार को बलात्कार के मामले में जिला सत्र न्यायालय गोरखपुर ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की कठोर सजा सुनाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह ने बताया, ये घटना है 3/6/18 की, वर्ष 2018 की घटना है, रात 10 बजे की, मोहल्ला पांडेहाता, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर। परवेज परवास के मामले में उनके ऊपर जो है 376D के तहत उनका विचारण चल रहा था माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष। उसमें आज वो दोषसिद्ध पाए गए हैं, परवेज परवास और दूसरे जो अभियुक्त हैं महमूद उर्फ जुम्मन बाबा, ये दोनों लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और 25,000 रुपये जुर्माना हुआ है। और ये घटना है 3/6/18 की। पीड़िता को जुम्मन बाबा जो है ये झाड़फूक के का काम करते थे और उसका पति जो है उसके साथ नहीं रहता था। पति साथ रहे इसको लेकर के वो मस्जिद और पीर मज़ारों पर जाती थी और इनकी भेंट जो है वो एक चमकहिया मस्जिद है जो मगहर में स्थित है, वहाँ पर इनसे भेंट हुई। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्यों आती हो, मैं गोरखपुर में रहता हूँ, तुम वहीं आ जाओ। और जुम्मन मियाँ की एक दुकान है पांडेहाता में, वहाँ इसको 3/6/18 की रात 10 बजे के करीब इन्होंने बुलाया और फिर उस दुकान के पीछे इसको कहा कि चलो मैं आ रहा हूँ, और वो गई और फिर उसके साथ इन्होंने भी उसके साथ बलात्कार किया। और जब वो भागने की कोशिश की तो परवेज परवास जो है उन्होंने उसे असलाह सटा दिया और बर्जस्ता उसके साथ जो है इन दोनों लोगों ने बलात्कार किया। माननीय न्यायालय ने दोनों को जो है दोनों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाया। इन लोगों ने बचाव पक्ष की तरफ से अपने गवाहान को भी पेश किया, जिसकी मेरे द्वारा जिरह भी की गई और जो इनके द्वारा एक एलिबाई लेने की कोशिश की गई उसको मैंने पूरी तौर पर धराशायी किया जिरह के माध्यम से। और माननीय न्यायालय ने अंततः इन दोनों को इस मुकदमे में दोष सिद्ध मानते हुए दोष सिद्ध करार दिया और इन्हें आजीवन कारावास की आज सजा सुनाई है। जुर्माना भी लगाया गया? जी, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये दोनों लोगों को।